What's up people, welcome to another vlog. So this time I am at KTM Agra. So today I am going to review the all new KTM RC 2022 390 edition. So without taking your much time, let's quickly get started. So yes, this is the all new KTM RC 390 जो 2022 edition है, उसमें क्या क्या updates आए हैं, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कंपनी ने चेंजेस करे हैं बाइक में, और क्या प्राइस है इस बाइक का. तो उसके साथ आज हम लोग इस बाइक को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इज दिस बाइक वैल्यू फॉर मनी और नॉट, और उसके अलावा कि क्या इंश्योरेंस और क्या सारी चीज़ें पड़ेंगी. टुडे आई एम एट KTM आगरा, यहाँ पर आगरा में शोरूम है. तो उसके बाद हम लोग आज पूरा करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी KTM और व्यूज करना बाइक, यू कैन डायरेक्टली विजिट द शोरूम. आई विल मेंशन द एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन. तो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, लेट्स क्विकली डू अ वॉक अराउंड ऑफ द ऑल न्यू KTM RC 390. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अगर फ्रंट पे हम लोग आते हैं KTM RC 390 में, फ्रंट में कंसोल है. यहाँ पर पूरा एक बार इग्निशन ऑन करके मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से LED हेडलैम्प्स रहेंगी. तो यहाँ पर यहाँ साइड में जो इंडिकेटर्स दे रखे हैं बाइक में, ये पूरा LED कंसोल दे रखा है, LED की हेडलैम्प LED लाइट्स दे रखी है बेसिकली, और यहाँ पर भी LED लाइट्स दे रखी है. ये इंडिकेटर के लिए, ये राइट वाला इंडिकेटर, और ये जो प्लेस है प्रॉपर लेफ्ट इंडिकेटर के लिए. उसके साथ ही जो फ्रंट हेडलैम्प्स दे रखी हैं बाइक में, वो LED हेडलैम्प्स दे रखी हैं. नीचे साइड में कुछ स्पेस है जो कि नंबर प्लेट के लिए स्पेस दे रखी है. ये जो बाइक है अभी हम लोगों ने अनवील करी है, और यहाँ पर फ्रंट टायर देख सकते हैं 17 इंचेस की अलॉय व्हील्स दे रखी है, 320mm की डिस्क ब्रेक के साथ, जिसमें कि ड्यूल चैनल ABS दे रखे हैं, और जो सस्पेंशन है यहाँ पर वो WP के अपसाइड डाउन सस्पेंशन दे रखे हैं इसमें. ये जो बाइक है जस्ट लाइक सेम एज ऑफ KTM RC 200 है, बहुत माइनर चेंजेस करे गए जस्ट लाइक द इंजन स्पेसिफिकेशन, बाइक का जो वेट है, उन चीज़ों को लेकर के. बाकी जो टायर और उन चीज़ों को बताए तो वो ऑलमोस्ट बाइक में सेम मिलेंगे. यहाँ पर जो है KTM ने अब एक बहुत अच्छी चीज़ करी है कि KTM ने यहाँ पर पहले क्या, KTM अपना स्टीकर दिया करता था, बट KTM ने अब क्या करा है, अपना प्रॉपर एक लोगो दिया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस बाइक पर कह सकते हैं हम लोग. उसके साथ ही जो कलर कॉम्बिनेशन है ऑरेंज और ये डार्क ब्लू, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक तरीके से दे रखा है. अब जैसे नीचे साइड यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें मोनोशॉक WP का सस्पेंशन दे रखे हैं, और अगर हम रियर टायर की बात करें तो रियर टायर जो मिलेगा हमें 150x60 के R17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे, और जो फ्रंट टायर मिलेगा 110x70 के R17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे, वही सेम ड्यूल चैनल ABS के साथ. दोनों ही टायर में ड्यूल चैनल ABS मिलेगा, एंड जो रियर टायर है उसमें भी डिस्क मिलेगा. उस डिस्क के साइज़ की भी बात करेंगे. अगर कुशनिंग देखी जाए बाइक में, तो कुशनिंग जो है वो कंपैरेटिवली जो ओल्ड RC आती थी उससे ज़्यादा कुशनिंग सॉफ्ट कर दी गई है. ये ग्रैबरल्स हैं, ये भी बहुत, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो डिज़ाइन है बाइक की, वो डिज़ाइन ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है बाइक की. उसके अलावा अब जैसे हम लोग एक बार इग्निशन MID पर चलते हैं, तो ये कुछ कंसोल दे रखा है, 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है इसमें, और ये कंसोल है. इसमें कुछ बटन से लेफ्ट साइड लाइक पास के लिए, ये देख सकते हैं सामने, ये LED हेडलैम्प्स है बाइक की, और ये कुछ सेट करने के लिए, इसे मैं ये सेट कर सकता हूँ. मैंने सेट करा मोटरसाइकिल सेटिंग्स, यहाँ पर ABS ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ रोडिंग के लिए भी मोड्स हैं अलग अलग, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. उसके अलावा ABS ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ABS जो होता है बेसिकली सेट हो सकता है हमारा रोड और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से. जो ये साइड मिरर्स रखे हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड साइड मिरर्स रखी हैं, और बहुत जो विजिबिलिटी है साइड मिरर्स की वो प्रॉपर विजिबिलिटी है. यहाँ पर WP मोनोशॉक सस्पेंशन का एक तरीके से बोल सकते हैं स्टीकर या प्रॉपर रिटेन है. 13.7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, आई एम नॉट अगेन श्योर कि 13.5 लीटर या 13.7 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है. 390cc के इंजन के साथ इसमें जो पावर मिलती है वो 42.9 BHP की पावर मिलेगी इस बाइक में, और ओवरऑल जो बाइक में टॉर्क मिलेगा वो 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा. 373cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिलेगा. यहाँ पर देख सकते हैं WP का मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखा है, 6-स्पीड ट्रांसमिशन है इसमें, क्विक शिफ्टर दे रखा है, स्लिपर क्लच दे रखा है बाइक में. यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट इस तरीके से देखते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया एग्जॉस्ट. 280mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा रियर में, और जो रियर सेक्शन टायर रहेगा वो 150x60 के R17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे. कंपनी जो वारंटी देती है बाइक में वो 30,000 किलोमीटर्स की देती है, एंड फॉर 2 ईयर्स की देती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द KTM RC 390 जो कि अपडेटेड वेरिएंट है, और जो कि 2022 वेरिएंट है इस पर्टिकुलर बाइक का. उसके साथ ही इसकी जो एक शोरूम प्राइस की बात करें, तो इसकी बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है वो 317,000 रुपीज़ है,
एक शोरूम प्राइस बाइक की, जो अगेन जो वेरी करेगा वो सिटी टू सिटी अकॉर्डिंगली वेरी करेगा. इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर आगरा, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अदर स्टेट्स और अदर सिटीज़, तो उसके हिसाब से जो इसका जो प्राइस रहेगा बाइक का वो चेंज होता रहेगा. अब हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी बाइक है नहीं है. तो जिन लोगों को 390 सीसी में जाना है और 42.9 बीएचपी की पावर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावर होती है 390 सीसी के इंजन में, इतनी ज़्यादा पावर मिलना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. तो वो पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी मिल रही है बाइक की, बट जो प्राइस रखा गया 3.16 लाख इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यू कैन से दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. बाकी 390 सीसी में इतनी पावर आपको नहीं मिलेगी, एंड इफ़ यू वांट एन रेयर, आपको प्रॉपर रेसिंग बाइक चाहिए, मोटो बाइक चाहिए टाइप की, तो उसके लिए यू कैन ऑप्ट फॉर दिस आरसी 390, जो कि ये एक बेस्ट बाइक रहेगी 400 सीसी के अंडर में. एक बार स्टार्ट कर इसका एग्जॉस्ट नोट हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जॉस्ट है इसका. स्विच ऑन करते यहाँ पर गियर इंडिकेट करने लगता है. पहले हम लोगों को न्यूट्रल करना पड़ेगा क्योंकि बाइक इज ऑन सेकेंड गियर. सो द बाइक इज ऑन न्यूट्रल नाउ. एक बार हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं बाइक को. सो द एग्जॉस्ट नोट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव ऑफ दिस बाइक. तो मतलब अगर हम लोग हाई RPM पर देखें तो बहुत ज़बरदस्त एग्जॉस्ट नोट है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल न्यू KTM RC 390 2022 एडिशन. सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी KTM बाइक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल. एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस. होप यू लाइक दिस.